ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कई महीनों से लगातार ऐश्वर्या और अभिषेक के अलग होने की खबरें भी मीडिया और सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं और वो मिस इंडिया भी रह चुकी हैं, लेकिन सबके बावजूद मौजूदा समय में वो अपने घर कलेश को लेकर खूब चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई हैं। हालांकि बच्चन फैमिली भी दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभिषेक और ऐश्वर्या को लेकर इन दोनों मौजूदा समय में तरह तरह की खबरें भी वायरल होती रहती। इसी कड़ी में अभिषेक बच्चन की शादी को लेकर एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसे जानने व सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो अभिषेक बच्चन सनी देओल के जीजा बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आइए चले जानते हैं क्या वाकई में अभिषेक बच्चन सनी देओल के जीजा बनने वाले थे और क्या ऐसी घटना घट गई जिस घटना के चलते वो देओल फैमिली के दामाद नहीं बन पाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक दूसरे को काफी वर्षों से जानते हैं और ये दोनों की दोस्ती भी किसी से छुपी नहीं रही है और ये दोस्ती एक समय रिश्तों में तब्दील होने वाली थी, जहां पर धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल और अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे अभिषेक बच्चन की शादी होने वाली थी, लेकिन ये शादी नहीं हो पाई। जैसे कि सभी जानते हैं कि एक्ट्रेस हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल का तलाक हो चुका है। उनकी शादी 2012 में मशहूर बिजनेसमैन भरत तख्तानी से हुई थी। उनकी दो बेटियां भी जिनका नाम राध्या तख्तानी और मिराया तख्तानी है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ईशा देओल ही वो थी जिनकी शादी अभिषेक के साथ होने वाली थी। इनिशियली डेज की बात करें तो फिल्मों में आने के बाद ईशा देओल की जिंदगी में कुछ खास नहीं बचा और वो फिल्मी करियर खराब होने के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जब उनकी माँ हेमा मालिनी बॉलीवुड के जाने माने शहंशाह अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे अभिषेक बच्चन से उनकी शादी करवाना चाहती थी। हालांकि ईशा देओल ने इसे साफ तौर पर इनकार कर दिया था। ईशा देओल ने हेमा मालिनी और अभिषेक बच्चन से जुड़े इस किस्से को इंडिया फोरम के दिए इंटरव्यू में शेयर भी किया था। दरअसल होता यूं है कि ईशा से सवाल किया गया था करण जौहर को दिए इंटरव्यू में, आपकी मां ने साफ जाहिर किया कि वह अभिषेक बच्चन जैसा दामाद चाहती है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इसका जवाब देते हुए ईशा देओल ने उस दौरान कहा था कि मेरी मां सच में बहुत प्यारी है। उन्होंने अभिषेक का नाम लिया क्योंकि वो इस समय मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। वो चाहती है कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपना घर बसाऊं और ऐसे में उन्हें अभिषेक बच्चन ही सबसे बेस्ट लगते हैं, लेकिन मैं अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ईशा देओल आगे इस बारे में बातचीत करते हुए कहती है, क्योंकि मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, इसलिए माफ करना मां। अभिषेक बच्चन के अलावा हेमा मालिनी को लेकर यह भी खबर आई थी कि विवेक ओबराय को अपना दामाद बनाना चाहती थी। हालांकि जब ये सवाल ईशा देओल से किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तो वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या अभिषेक की बात करें तो इन दोनों की शादी 2007 में बड़ी धूमधाम तरीके से हुई थी। ऐश्वर्या राय ने उस दौरान 3.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पहनी थी और ये उस समय की सबसे एक्सपेंसिव शादियों में से एक थी। हालांकि इन दोनों की शादी 20 अप्रैल 2007 को हुई थी। कपल की शादी उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहती। शादी से जुड़ी हर चीज को फैंस देखने के लिए एक्साइटेड नजर आए थे और शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता खत्म होने के कगार पर पहुंच गया और इसके पीछे की तरह तरह की खबरें भी बताई जाती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐश्वर्या राय का कई महीनों से लगातार अपनी सास जया बच्चन के साथ बोलचाल बंद है, साथ ही ननद के साथ भी उनके रिश्ते ठीक ठाक नहीं है। यही बड़ी वजह है कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार को छोड़कर अपने मायके में रहने पर मजबूर हो गई है और इसके कई सारे बड़े सबूत भी मिले हैं। होता यूं है कि अंबानी फैमिली फंक्शन में बच्चन परिवार दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आए, जहां पर अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन और अपनी बेटियों के साथ पोज देते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पोज देती हुई नजर आई थी।